चाबी नहीं निकाला, बंद करो, बंद हो गया गाड़ी, बंद हो गया। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बेसिकली बहुत दिन से प्लान चल रहा था कि एक ट्रिप के लिए, जो कि बाय रोड ट्रिप के लिए प्लान चल रहा था, तो दिमाग में आया था कि सिक्किम, लेकिन सिक्किम का प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे अभी डबल वैक्सीन और RT-PCR के रिपोर्ट के बिना वहाँ पे जाने नहीं दे रहा है। मेघालय शिलांग का भी सेम प्लान था, और डुअर्स में जाने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि अभी सारा फॉरेस्ट बंद रहता है अप टू सेप्टेम्बर 15 तक। तो दार्जिलिंग का ही प्लान बना है भाई, बंगाल है, अनलॉक भी चल रहा है, जाने भी दे रहा है, और सेफ्टी का ध्यान रख के मास्क तो एकदम से यूज़ करेंगे हम लोग, और सैनिटाइज़र भी भर भर के लिए हैं। सिंगल वैक्सीन हो चुका है हम लोग का, उसके बावजूद भी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें क्योंकि इसके वजह से किसी और को दिक्कत ना आए। और अभी टाइम हो रहा है 5:44, और एक घंटा लगेगा हम लोग को निकलने में क्योंकि सारे लोग रेडी हो रहे हैं। तो 5 बंदे हम लोग टोटल जा रहे हैं, एक सुमित, लवन, सोमा और मेरा जूनियर। तो अभी लवन एनिया का गाड़ी अपनी पार्किंग में रखते हैं गाड़ी को, और मेरे गाड़ी को जरा सा साइड करते हैं। तो ट्रिप मीटर को 0 पे सेट किए हैं और देखेंगे पूरा रिटर्न आने तक इसका माइलेज कितना देता है, और हिल में भी इसका माइलेज कितना देता है क्योंकि ये निक्सन का पेट्रोल मॉडल है। तो भाई पेट्रोल का दाम तो अब पता है आपको, 100 रुपया तो चला गया है वेस्ट बंगाल में भी। तो देखेंगे कितना देती है। तो गाइस 6:40 हो रहे, 5 बजे निकलना था, तो अभी निकल रहे हैं फिलहाल हम लोग, और मिलते हैं आपसे आगे। तो बेसिकली आज का जो प्लान है, हम लोग सिलीगुड़ी तो आज नहीं जाएंगे, आज रुकेंगे रायगंज पे, और जितना भी टोल वगैरह आएगा और उसका कितना चार्जेस रहेगा वो भी सारा मैं आपको दिखा दूंगा। तो अभी पहला जो आ रहा है टोल, ये विवेकानंद टोल प्लाजा है, 50 रुपया का इसका टोल लगता है, ये सिंगल साइड ही रहता है। और बस एक चीज आप समझ लो, 5 बजे के बाद आप अगर रिटर्न आ रहे हो डानकुनी या सतरागाछी की तरफ से, तो ये वाला टोल मत पकड़िए क्योंकि भाई टोल में उससे अच्छा बाली ब्रिज वाला रोड ले लो आप, सही रहेगा वहाँ। तो बेसिकली हम लोग का रूट रहने वाला है नवद्वीप पहले, उसके बाद कृष्णनगर, फिर बहरमपुर, फिर वहाँ से मोड़ग्राम, फिर फड़क्का, मालदा, रायगंज, उसके बाद सिलीगुड़ी। और आपने अगर नवद्वीप जाने के लिए फास्टेस्ट रूट वाला वीडियो मेरा चेकआउट नहीं किया हो तो आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप जाके वहाँ से चेकआउट कीजिए। नवद्वीप जाने का फास्टेस्ट रूट का वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आपको मिल जाएगा। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। बेसिकली सुमित सुबह सुबह उठ के भजन सुनता है, और ये अच्छा बात है, मतलब सच में बहुत अच्छा बात है।
हालत देख लो। वैसे हम लोग को तो नींद आता ही नहीं, हम लोग तो रहे चेहरे ड्राइवर। दिल्ली रोड हम लोग इसलिए पकड़ते हैं कि इसमें टाइम कंज्यूमिंग आपका बहुत होता है और रोड भी बहुत ही सुंदर रहते हैं यहाँ पे, और एसटीके के रोड भी अभी बहुत अच्छा बना दिया है। तो नवद्वीप नहीं, कृष्णनगर तक तो एकदम बहुत अच्छा रास्ता है। उसके बाद कृष्णनगर से बहरमपुर तक अब पता नहीं कौन सा रास्ता, मतलब क्या रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पे गए नहीं अभी तक हम लोग, तो इसको पता नहीं है, फिर भी बोल दे रहा बहुत खराब बहुत खराब। बहरमपुर जाने का रास्ता देखते हैं, जाके जाने के बाद ही पता चलेगा। जो सामने वाला रास्ता आप देख रहे हो ये चला जाता है कल्याणी, और हम लोग जाएंगे लेफ्ट की तरफ। फिलहाल ड्राइवर चेंज हो रहा है और मैं आ रहा हूँ ड्राइवर सीट में। अभी हम लोग पहुंचे गुप्तीपाड़ा, लेट तो हो रहा है। हमारा ड्राइवर का एक तो क्या हुआ है, ड्राइवर का सेटअप का क्या हुआ, पीछे मालिक बैठा है सेटअप का ठीक है। गाइस तो अभी बज रहा है 10 और हम लोग पहुंचे मादासाट में, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे बहरमपुर की तरफ, फिर वहाँ से मोरग्राम। तो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फिर आपसे बात करते हैं। तो मादासाट बेसिकली एक वुमेंस ड्रिवन रेस्टोरेंट है जो कि NH 34 के ऊपर आता है और 24 आवर्स ओपन रहता है। तो चलिए देखते हैं खाने का क्वालिटी क्या रहता है। हम लोग फिलहाल ऑर्डर किए हैं यहाँ पे चिकन सैंडविच, ओमलेट ऑर्डर किए और लूची आलू दम, बंगाल का खासियत है लूची आलू दम। तो भाई टाइम हो रहा है 11 और अभी चाय ख़त्म करके निकलेंगे, और यहाँ का जो खासियत है वो है छाछ। तो अब चाय तो ऑर्डर कर लिया हम लोग, तो छाछ तो पी नहीं पाएंगे तो इसलिए पार्सल कर लिया हम लोग, तो गाड़ी में पियेंगे छाछ। और एक चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक मतलब हर टेबल को सैनिटाइज प्रॉपर किया जाता है यहाँ पे,
प्रॉपर सैनिटाइज, जब मतलब एक टेबल ये होता है क्लीन होता है उसके बाद प्रॉपर सैनिटाइज होता है यहाँ पे, तो गजब मुझे तो अच्छा लगता है यहाँ पे आने के खाने के लिए। चाहा भी भाई की हो जाए तो की हो जाए भाई तो की हो जाए प्रॉब्लम देखी बहुत प्रॉब्लम देखी लेकिन इसका क्या प्रॉब्लम हुआ चल क्या प्रॉब्लम हुआ इसका भाई एक लड़की होने से चलता चार पांच लड़की रखेगा तो क्या टेंशन रहेगा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं जर्नी, कितना टाइम हो रहा है देखते हैं, अभी दिखाई नहीं दे रहा है मुझे ही नहीं कह रहा, 11 बज रहा है देख, अब पूरा स्ट्रेच में अब जाएंगे रायगंज, देखते हैं कितना टाइम में घुसते हैं रायगंज में। तो अभी टाइम हो रहा है फिलहाल 1:14, साउंड क्वालिटी के लिए सॉरी क्योंकि रास्ते के बगल में खड़े हैं, नज़ारे देखो जस्ट बहरमपुर क्रॉस किए हैं अभी, गजब ही है, मतलब मॉनसून का यही मजा है, चारों तरफ ग्रीनरीज भाई। हम लोग शहर में रहते हैं तो ये सारा नज़ारा मिलता ही नहीं है, तो गांव में आने का यही तो एक चीज़ है, मतलब बहुत सही लगता है भाई, क्या ही नज़ारा है। कैमरा शायद वो व्यूज़ जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होगा, लेकिन आँख से तो जो दिख रहा है मतलब गजब ही नज़ारा। और एक चीज़ यही है ना, खुद का गाड़ी लेके आने से कहीं भी खड़े हो जाओ कहीं भी जाओ मतलब बिंदास, ये चीज़ है खुद का गाड़ी लेके आने से, ये तो आपको मिलता ही है, जो कि ट्रेन में नहीं मिलता, उसका अलग मज़ा हो सकता है, लेकिन ट्रेन फ्लाइट या बस में तो वो मज़ा नहीं है।
टोल गेट, इरा थर्ड टोल गेट बोरमपुर फरक्का, कितना लेता है देखता हूँ। पता नहीं चला कितना काटा है। चौथा टोल है बहरमपुर फरक्का, 60 रुपया टोल का। तो मैक्सिमम रोड अभी तक 4 लेन वाला ही था, सिंगल लेन बहुत कम मिला था। एसटीए के रोड तो वो भी तो अच्छा ही था सिंगल लेन में, तो रास्ता ख़राब तो अभी तक फ़िलहाल तो मिला नहीं है। फरक्का सामने आने वाला है और टाइम हो रहा है फ़िलहाल 2:20 होने जा रहा है। ठीक है यार, मतलब सही है। पहले वो बोलता था हर कोई ना, मतलब सिलीगुड़ी जाना कोई बहुत बड़ा बात है या वो, तो मुझे अभी तक तो फिलहाल लगा नहीं है। देखते हैं रायगंज तक शायद रास्ता ठीक रहेगा, उसके बाद रायगंज से कल सुबह कौन सा रास्ता लेंगे वो कल सुबह के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो चलिए मिलते हैं आगे फरक्का में। तो भाई 3 बज रहा है, फरक्का क्रॉस कर रहे हैं। अब यहाँ पे खड़ा तो नहीं होने देगा यहाँ पे, तो कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए। निकल रहा है ना। सियाल गया, सियाल उधर 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 सियाल जा रहा, देखा? अरे देखा नहीं तुम? हाँ जाने नहीं दिया, वो जा रहा था, जाओ देखा वहाँ। तेरा आज बहुत अच्छा दिन चलेगा, बक मजाक नहीं, हाँ मस्ती कर दिया ना। सच में तुम देखा नहीं? हम बोल रहे हैं देख 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 देख, तेरा अच्छा दिन जाएगा। तो वो वाला तुमको देखना चाहिए था।
गुड इवनिंग गाइस। तो हम लोग रायगंज रीच किए अप्रॉक्स 5:30 PM और यहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं बादशाह होटल में। रूम का क्वालिटी वगैरह ठीक ठाक ही है, 1200 रुपया पड़ा है हम लोग का एक रात के लिए बस। तो वीडियो को आज के लिए पे यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, जो कि कल का वीडियो रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बांग्ला।